What's up and I hope you are all doing good and safe. So yeah, this is me Sneha and welcome back to my channel The Beauty Mode. So guys, today's videos I make up video जैसा कि आप जान गए होंगे मेरे टाइटल को देख करके. सो आज मैं कुछ इस टाइप का लुक शेयर करने वाली हूँ आपके साथ. आई होप कि आपको पसंद आएगा. देन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा. एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड उसके बगल में आपको बेल आइकन का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, उससे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ बोल्ड लाइनर प्लस काजल लुक, जो इजी सा जो कि आप आराम से क्रिएट कर सकते हो. अगर आपको कहीं जल्दी जाना है तो आप इस लुक को वेयर कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा. सो गाइज, जितने भी प्रोडक्ट्स का मैंने यूज़ किया है मैं उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा जाकर के. सो गाइज, आपको मेरे फेस पे कुछ न्यू सा दिख रहा होगा बिकॉज मैंने उसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि क्या चीज़ न्यू है मेरे फेस पे जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है अपने मेकअप लुक में. सो विदाउट एनी मोर डू, सो लेट्स गेट इन द वीडियो. यहाँ पे यूज़ करूँगी गुड वाइब्स का ग्रीन टी ग्लो टोनर. काफ़ी ज़्यादा अच्छा टोनर है, काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को रिफ्रेश करता है. ऐसे अच्छे से स्प्रे कर लिया है. नाउ मैं इसे अपने हैंड से अच्छे से डैबिंग मोशन में डैब डैब कर दूंगी कि अच्छे से ये ड्राई हो जाए. सो ये अच्छे से ड्राई हो चुका है. एंड नेक्स्ट स्टेप है लाइक सीरम. मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिकोराइज का फेशियल एसेंस. सो इसका रिव्यू मैंने दिया अपने चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हैं जा करके. सो इसके मैं 2 से 3 ड्रॉप्स लूँगी. उसके बाद मैं इसे अच्छे से रब करूँगी हैंड से ताकि अच्छे से एक्टिवेट हो जाए. एंड देन उसके बाद मैं फेस पे अपने प्रेस करते हुए इसे अप्लाई करूंगी. गाइस, टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि मैंने अच्छे से बन बनाया हुआ है जिससे कि बिल्कुल गर्मी ना लगे मुझे. एंड ये मैं अपने हैंड पे ड्राइंग कर रही थी. नाउ नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ मॉइस्चराइजर. सो ये मॉइस्चराइजर गुड वाइब्स का. सो इसका रिव्यू मैंने दिया हुआ है चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हैं. जहाँ पे भी आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है आप उसे इस जगह पे अप्लाई करिए. मैं इसको फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूंगी. एंड आप इसे किसी ब्रश की हेल्प से या फिर ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं. तो कलर करेक्टर को यूज़ करने थे, मैं यहाँ पे पैलेट यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की कवर स्टूडियो पैलेट. मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये ब्रश. एंड ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे कलर करेक्टर को अप्लाई करूँगी. नाउ गाइस, तो मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है इसे. एंड नेक्स्ट स्टेप है मेरे यहाँ पे फाउंडेशन. सो फाउंडेशन में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये है मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन. एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो मैं अपनी नेक पे अप्लाई करूँगी. सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये ब्लेंडिंग ब्रश. एंड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अपना ब्लेंडर भी. तो As you can see guys, कितनी जल्दी ब्लेंड हो गया है एंड काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हुआ है. एंड गाइज, ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ ब्लेंडर जिससे कि मेरा जो फाउंडेशन है वो अच्छे से सेटेड लगे बिल्कुल. नाउ गाइस, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ कंसीलर जो कि है स्विस ब्यूटी की. नाउ गाइस, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का नेचुरल फिनिशिंग लूज पाउडर जिसको मैं अपने ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई करूँगी. इससे सेट करने से क्या होता है, आपकी आईज़ में कोई भी क्रीज नहीं आती है जो भी आपने कंसीलर अप्लाई किया होता है. नो, आज मैं कॉन्टोर यूज़ नहीं करने वाली हूँ. सो आज मैं ब्रॉन्जर यूज़ करूँगी केवल बिकॉज एक बहुत ही सॉफ्ट सा लुक है. जब तक ये सेट होगा तब तक मैं अपनी आईब्रोज को अच्छे से फिल इन कर लूँगी.
वाइज तो आईब्रोज मैंने अच्छे से सेटअप कर लिया है। मैं करने जा रही हूँ यहाँ पे सॉफ्ट आई लुक, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रल होने वाला है। यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये है ब्यूटी ग्लिस्ट की आई शेडो पैलेट, एंड इस पर मैं लूँगी यहाँ पे न्यूट्रल शेड, जिसको मैं अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी। सो मैं यहाँ पे क्रीज को अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ। तो ये अच्छे से अप्लाई हो गया है, एंड मैं सेम इस वाले आईज़ पे जल्दी से अप्लाई करके आती हूँ। मैंने अच्छे से क्रीज को डिफाइन कर लिया है। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ लाइट ब्राउन सा शेड, आउटर कॉर्नर पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। नाउ गाइस, तो मैंने आईज़ को अच्छे से कम्प्लीट कर लिया है। सो मैं इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर लेती हूँ। सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वाइट कलर के शेड का, एंड पैलेट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिस ब्यूटी की। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ काजल। सो मैं यहाँ पे काजल यूज़ कर रही हूँ, ये ब्लू हेवन का काजल, ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। सो इस वजह से मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, एंड आप यहाँ पे वाटरप्रूफ काजल का भी यूज़ कर सकते हो। सो मैं इसे आउटर पे अप्लाई करूँगी। तो मैं ये स्मॉल ब्रश ले रही हूँ, एंड इसकी हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। सो मैंने अच्छे से इसे अप्लाई कर लिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मैंने यहाँ पे विंग भी ड्रॉ कर लिया है, एंड अपर साइड में यहाँ पे लाइनर ड्रॉ करूँगी। लाइनर है ये Lakme का आइकॉनिक लाइनर। आईज कंप्लीट हो गई है, एंड मैं सेम इस वाली आईज भी जल्दी से अप्लाई कर लेती हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ मस्कारा, ये आईलैश कर्लर। सो मस्कारा मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये है मेबलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा। नाउ गाइस, ये वाली साइड की आईज मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है। सो मैं इस वाले ऐसे जल्दी से अप्लाई करके आती हूँ। गाइस, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइनर को अपमोल्ड कर लिया है थिन से, बिकॉज ऐसे वाले आई लुक में मुझे अच्छा लग रहा था, एंड कॉर्नर साइड पे मैंने अच्छे से अप्लाई किया हुआ है। सो आप देख सकते हैं, अभी मैं आई लैशेज भी अप्लाई करूँगी। सो उससे पहले मैं अपने ब्लश अप्लाई कर लेती हूँ। नाउ गाइस, तो सबसे पहले जितना मैंने बूस्ट पाउडर को अप्लाई किया हुआ था, मैं उसे अच्छे से रिमूव कर दूँगी। एंड नाउ अब मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ ब्रॉन्जर। सो इसी पाउडर ब्रश की हेल्प से इसको थोड़ा सा फ्लैट करके नोज पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। कभी भी आपको इसे जल्दी हो और आपके पास टाइम नहीं है कि आप अलग अलग ब्रशेस से मेकअप कर पाओ, सो आप इस टाइप की ट्रिक यूज़ कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया, बट लिपस्टिक नहीं, मैंने यहाँ पे लिप ग्लॉस अप्लाई कर लिया, बिकॉज मेरे लिप्स थोड़ा सा ड्राई लग रहे थे, सो उस वजह से मैंने अप्लाई कर लिया। एंड नेक्स्ट स्टेप है मेरा ब्लश। सो मैं यहाँ पे पिंकी सा ब्लश यूज करूंगी, थोड़ा सा डार्क। ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे सेट करूंगी, जिससे कि जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाए। ओ हाइलाइटर पे मैं यहाँ पे यूज करूंगी सेम पैलेट, बिकॉज़ ये पैलेट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, यू नो मल्टीपर्पज से काफ़ी ज़्यादा यूज़ आ जाती है। एंड ये पैलेट है सिस ब्यूटी की 4-in-1 आई शेडो पैलेट। मैं इसे अपने हर ट्यूटोरियल में यूज़ करती हूँ, बिकॉज मेरा सारा वर्क ना इसी से ही हो जाता है। तो अब मैं क्या करूँगी, अपनी आईब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी। सो मैं फिंगर की हेल्प से वाइट कलर के शेड से हाईलाइट करूँगी। हो गया। सो अब बारी है लिपस्टिक यूज़ करने की, एंड उससे पहले मैं अपनी आईलैशेस को अप्लाई कर लेती हूँ। ये मैंने ग्लू लगा के रखा हुआ था। एज यू गाइस कैन सी कि मैंने अच्छे से आईलैशेस को भी अप्लाई कर लिया है। सो मैं इस वाले ऐसे जल्दी से अप्लाई करके आती हूँ। अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ लिपस्टिक। सो ये है Lakme की फॉरएवर मैट लिक्विड लिप कलर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे टच अप दे रही हूँ, ये है लिपस्टिक सिस ब्यूटी की मैट एंड मेटालिक लिपस्टिक। तो मैं अपने फुल गेटअप के साथ आऊँगी। सो बाय बाय।
नाउ गाइस, ये मेरा फाइनल लुक, आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। सो मेरे फेस पे यूनिक है ये नोज रिंग्स, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है। एंड गाइस, ज्वेलरीज जो मैंने वियर किया हुआ है, ये मैंने अभी रिसेंटली में हॉल शेयर किया हुआ था, ज्वेलरी हॉल वीडियो। सो आई बटन पे मैं वीडियो डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा जा करके। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में सारी ज्वेलरीज मुझे रिसीव हुई है। एंड गाइस, ये आउटफिट जो मैंने वियर किया हुआ है, ये कुर्ती है, मैंने मीशो से ऑर्डर की हुई है। एंड इसका लिंक मुझे अगर मिलेगा, मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक एंड ज्वेलरीज के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा जा करके। एंड आपको मेरे लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल्सो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब मेरे चैनल। एंड उसके बगल में आपको बेल आइकन का ऑप्शन भी दिख रहा है, उससे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया से उन्हें फॉलो कर सकते हो, लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। मेरी सेकंड आईडी का नेम है स्नेहा सोनी ऑफिशियल नेम, इस वाली आईडी पर मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहती हूं, तो आप मुझे वहां जाकर के डीएम कर सकते हो। एंड गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। सो या मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में लाइक सैटरडे और मंडे, सो या स्टे ट्यून्ड एंड या स्टे सेफ। बाय बाय।